प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इब्रानियों की पत्री 1:8-9, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। पुत्र के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। इंग्लिश में द स्केप्टर ऑफ राइटवसनेस, परमेश्वर का राज्य का राजदंड। एक राजा के पास राजदंड होता है, इसका मतलब एक स्केप्टर, एक अधिकार का एक लाठी उसके हाथ में होता है। एस्तर को उस राजदंड दिखाकर बोला, राजा ने बोला, राज का आधा चाहिए तो भी दे सकता हूं। वो अधिकार को दिखाता है। और परमेश्वर का, यीशु मसीह का राज्य का राजदंड क्या है? धार्मिकता है, राइचुअसनेस, धार्मिकता परमेश्वर का राज्य का राजदंड है। अगले आयत में लिखा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। परमेश्वर धार्मिकता से प्रेम करता है, अधार्मिकता से भय रखता है। परमेश्वर का राज्य का राजदंड अधिकार जो है, धर्मी है, धर्मी जन परमेश्वर का राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। धर्मी जन को अधिकार मिलता है इस पृथ्वी पर भी, परमेश्वर का द्वारा अनुग्रह से, ये विश्वास करने के द्वारा, यीशु का लघु के द्वारा जो धर्मी बन किया है, वो धर्मी जन की अधिकार सामर्थ बहुत प्रभावशाली है, बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके हाथ में वो एक स्केप्टर है, एक राजदंड के समान है जो राजा की हाथ में है, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य का राजदंड धार्मिकता है। क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता से प्रेम करते हैं, अधार्मिकता से भय रखता है। इन दिनों में हम परमेश्वर की धार्मिकता में चले, उस धार्मिकता में हमें अधिकार मिलेगा। हालेलुया, उस धार्मिकता का प्रकाशन में हम जिए कि हम यीशु मसीह के नाम से धर्मी ठहराया गया है, हम परमेश्वर के लिए धर्मी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।